मुजफ्फरनगर में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। यह छापेमारी मुजफ्फरनगर के सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों पर की गई है, जिसमें अरियन ज्वेलर सहित दो व्यापारी शामिल हैं, जिनके घर और दुकानों पर छापेमारी की गई। NIA सभी आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी रखती है और बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है और इसमें काफी मोटे लेनदेन का मामला बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि यह व्यापारी काफी लंबे समय से हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में NIA का कोई अधिकारी किसी भी तरह की जानकारी देने को तैयार नहीं है। छापेमारी पिछले कई घंटे से लगातार जारी है। इसमें NIA के SP सहित एजेंसी और पुलिस के लगभग 50 से ज्यादा कर्मचारी लगे हैं। किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मकान और दुकान को पूरी तरह से सील कर NIA के अधिकारी अपनी छानबीन करने में जुटे हैं। साथ ही साथ व्यापारियों के परिवार से भी पूछताछ जारी है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। ये अपनी सहयोगी टीम के साथ यहाँ किसी जांच पड़ताल में आए। उन्होंने दो दुकान, एक समझौता अरियन ज्वेलर्स की है, एक दुकान को यन उनके यहाँ प्लस दो घरों पे जांच कर रहे हैं। नहीं, अभी कोई तथ्य सामने नहीं है। पूछताछ चल रही है। अभी अभी जांच चल रही है।